हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है। कोई हमें रोके? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज? ऐसा नहीं है, गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, इंतजार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कभी किसी से डिक्टेशन लिया, ना किसी के दबाव में आकर फैसले किए, मेरी अदालत में आजादी के साथ फैसले हो रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है किसी की हिम्मत नहीं कि रोके टोके कोई साबित कर दे कि किसी डिक्टेशन पर फैसला किया। गलत फहमियां पैदा ना करें, लोगों का अदालत पर से भरोसा ना उठाएं, किसी को एतराज है तो फैसले चैलेंज कर दे। हम हल्फ के पाबंद हैं, आजाद जज के दबाव में आने का जवाब नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस अतर मिरल्ला ने तकरीब से खिताब में से कहा 2007 की वकला तहरीक जजेस की नहीं आजादी अदलिया की तहरीक थी। राणा शमीम ने बयान हल्फी देकर बतौर साबिक जज अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, मराहत वापस लेकर कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट चौधरी अकरम ने साबिक जज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। मौकिफ इख्तियार किया कि अदलिया और रियासत के खिलाफ बयान से अवाम में नफरत पैदा हो रही है, आर्टिकल 5 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने की इस्तदा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को विरासत के शरई हक से महरूम रखने को काबिल नफरत अमल करार दे दिया। तहरीरी फैसला जारी, रिमार्क्स ये कि खवातीन के लिए विरासत से महरूमी तकलीफ का बायस बनती है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि खवातीन को महरूम रखना हुक्म खुदावंदी की भी खिलाफ वर्जी है। बढ़ती महंगाई को अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ हथियार बना लिया, एहतजाज जलसों में तहरीक में। आज पिशावर में पीडीएम का पावर शो, नून लीग ने शहबाज शरीफ की बजाय खाकान अब्बासी को पिंडाल में उतारने का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान भी शुरका का जोश बढ़ाएंगे, जलसे के तमाम इंतजाम मुकम्मल, पिंडाल भरने लगा। नवाज शरीफ और पूरा टब्बर ओवरसीज पाकिस्तानी है, वोट का हक देने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा करें। शहबाज गिल ने एक ही नशस्त में अपोजिशन के सियासी हमलों का जवाब दे दिया, कहा कि नून लीग की परेशानी ये है कि ईवीएम से मर्दों के वोट नहीं पड़ेंगे, हिसाबदार एंड कंपनी लूट खसूट करके मुल्क से पैसा लेकर चले गए। हसन खावर ने कहा कि हमजा शहबाज पहले अपनी और अपने वालिद की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब दे, शहबाज शरीफ शर्मनाक लीग के हेड हैं। डेढ़ साल से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, वजारत दाखिला ने कोई सबूत नहीं दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की हुकूमत पर ताक ताक के वार, कहा शहजाद अकबर इमरान खान को बेवकूफ बना रहा है, मुजाकरात के लिए तैयार हैं। पहले शहजाद अकबर जुल्फी और शहबाज गिल जैसे लोगों को टीम से निकाला जाए। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान साहब और शहजाद अकबर बरतानिया से फिर रुसवा होने की तैयारी कर रहे हैं। नैब ने मुझ पर झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए, रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस दूसरी बार चैलेंज कर दिया, एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस खत्म करने की अर्जी भी कर दी। नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी, साबिक क्रिकेटर और सदर कांग्रेस कमेटी पंजाब नौजूद सिंह सिद्धू तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। सिद्धू ने रिवायती अंदाज में अमन का पैगाम दिया, इमरान खान की काविशों को खास तौर पर सराहा। कराची में एक आग ठंडी ना हुई, दूसरी भड़क उठी, पार्किंग प्लाजा पेट्रोल पंप पर लगी आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, कूलिंग का अमल जारी। रात गए तीन हट्टी झुग्गियों पर लगी आग से 80 से ज्यादा झोंपड़ियां राख बन गई, इमदादी कार्रवाइयां जारी। खाना बदोशों के लिए मुतबादल ठिकानों का बंदोबस्त ना हो सका, खुशकिस्मती से दोनों वाकयात में जानी नुकसान नहीं हुआ।
सजावल की दरगाह जलाली बाबा के मुसाफिर खानों और दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। मुसाफिर खानों समेत कई दुकानें जलकर राख हो गईं। जिला भर में फायर ब्रिगेड ना होने के बायस आग काबू से बाहर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। सरगोधा भलवाल की शुगर मिल्स में क्रशिंग के दौरान बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया। बुलंद होते आग के शोलों ने फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा घेर लिया। मिशन ढाका, बांग्लादेश ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को जीत के लिए 109 रन का हदफ दे दिया। शाहीन आफरीदी और शादाब खान ने दो दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।